Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another game play video. तो guys यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Minecraft. Okay guys, तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि last episode में मैं अपने castle से काफी ज्यादा दूर गया था और मैंने वहां पे जाके अलग अलग सुरंगों में घुस के ये काफी तगड़ी तगड़ी चीजें ढूंढी है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ रॉ कॉपर और यहाँ पर ये नॉर्मल रॉ कॉपर और टिंटेड ग्लास भी मैंने बनाया है जिसके अंदर लाइट नहीं आती, और भी काफी सारी ऐसी ऐसी चीजें ना जिसे देख के आप डर जाओगे. और सबसे बड़े तो ये पॉइंटेड ड्रिप स्टोन, ये एक ऐसी चीज है ना जो कि मेरे को अभी तक की सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है. देखो मैं इसको ऐसे रखूंगा ना तो किस तरीके से यहाँ पर देखो बनते जा रहा है ऊपर को, और कितनी ज्यादा बढ़िया सी लुक आ रही है. और इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम जितने ब्लॉक लगाएंगे ये उतना ऊपर ऐसे कुतुब मीनार जैसा बनता हुआ चला जाएगा. और उससे भी ज्यादा बेस्ट चीज, अगर मान लो नीचे कोई आता है, फॉर एग्जाम्पल वो बंदा नीचे खड़ा है एंड हम लोग उसके ऊपर कुछ इस तरीके से वेट, ऐसे नहीं होगा यहाँ पर ना मुझे कोई ब्लॉक लगाना पड़ेगा. ये एक टाइप से बहुत तगड़ा ट्रैप बन सकता है जिसके थ्रू हम लोग किसी बंदे को मारना चाहें तो मार भी सकते हैं. और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस काम आता है. मान लो कि नीचे कोई बंदा खड़ा है, मेरा दोस्त खड़ा है और मुझे उसे मारना है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे लगाऊंगा एंड इसके नीचे ना गाइस मुझे ये लगाने पड़ेंगे. देखो ये एक और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे दो, ठीक है. अब मान लो वो नीचे खड़ा हुआ है, मैंने ये तोड़ा और ये देखो सीधा नीचे का कटाक, उसके सर पे गिरेगा, बंदा खत्म. वैसे ये चाहे बंदा हो या फिर कोई भी मॉब हो, उसको मारने के भी काफी ज्यादा काम आ सकता है. और गाइस आज की वाली जो वीडियो है, ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि गेम में नई नई चीजें आई हैं. और आज मैं एक फार्म बनाने वाला हूँ, वो भी ड्रिप स्टोन का. ये जो मैंने आपको भी दिखाया ना, इसको ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, अलग अलग सुरंगों में जाना पड़ता है और वहां पर भी कुछ लिमिटेड मिलते हैं, 10, 5, 15 ऐसे कुछ. बट मैं इसका एक अनलिमिटेड ऑटोमेटिक फार्म बनाऊंगा जिससे मेरे को ये जिंदगी भर के लिए एकदम फ्री में एक ही जगह खड़े होकर मिलते रहेंगे. वैसे खड़े होने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही मुझे मिलते रहेंगे. फिलहाल ये मैंने अपना थोड़ा था इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं. लास्ट टाइम मैंने एक ही स्पाई ग्लास बनाया था जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगता है. एंड मैं ऊपर आ रखा था अपने कासल का व्यू लेने के लिए, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है. और वो देखो मेरे को ऐसे दूर से किसी को देखना है तो मैं ऐसे स्कोप खोल के, जैसे स्नाइपर का स्कोप होता है ना कुछ उस टाइप से, मैं स्कोप खोल के देख सकता हूँ अपने पांडा वगैरह सबको. मेनली तो मैं अपने प्यारे कासल का व्यू देखने आया था और एक बार ही ना उस तरफ का भी नजारा देख कर आते हैं. और यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने अपना ये आयरन गोलेम फार्म मतलब कि आयरन फार्म ठीक करा था, बट अभी देखो ये क्या हो गया. 1, 2, 3 और 4 और 5 इतने सारे गोलम नीचे स्पोन हो रहे हैं, ऊपर कोई भी नहीं हो रहा. चलो कोई बात नहीं, आयरन की जरूरत भी किसको है, इसको हम लोग बाद में ठीक करेंगे. फिलहाल अभी रात होने वाली है, जल्दी से चल के सोते हैं और ड्रिप स्टोन फार्म बनाने के लिए जो जो चीज चाहिए वो सारी कलेक्ट करके उस फार्म को बनाते हैं. वैसे हाँ सोने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीज, यार एक मिनट में तब से ना वाटर बकेट की ट्रिक मारे भाई, अगर मैं उतरी में गिरी ऐसे कैसे भाई. वेट मेरे यहाँ पर वो ड्रिप स्टोन भी गिरे थे, ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ. हाँ तो अभी ना गाइस मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे रात में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ना मेनली स्टिकी पिस्टन्स बनाने हैं और काफ़ी सारी स्लाइम ब्लॉक बनानी है, मीन्स ब्लॉक ऑफ स्लाइम बनानी है. और ब्लॉक ऑफ स्लाइम बनाने के लिए ना हमें ढेर सारी स्लाइम बॉल चाहिए होगी, और स्लाइम बॉल के लिए हमें स्लाइम को मारना पड़ेगा. और स्लाइम रात में स्पॉन होती है, उनकी एक अलग ही बायोम होती है, मुझे वहाँ पर जाना है. और मैं अपने साथ ये जो लूटिंग 3 की स्वॉर्ड है ना ये लेकर जाने वाला हूँ. इसमें कुछ भी नहीं लगा, इसमें से स्माइट 5 है जो कि वेदर को बहुत तेज मारती है, बाकी इतनी ज़्यादा खास नहीं है. बट अपनी जो शार्पनेस 4 वाली है ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है. तो फटाफट अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा उसको मारने के लिए. तो ये लिया मैंने हाथ में रॉकेट एंड लेट्स गो. तो दूसरी वाली जो बायोम है, वैसे कहीं पर भी दूर नहीं है, वो सामने ही, और वो देखो वो भाई साहब जी पहली स्पॉन पड़े हैं. लेट्स गो, यहाँ पर हम लोग लैंड मारते हैं और अभी देखते हैं एक को मारने पे मुझे, अरे तेरी भैंस की कहाँ आ गया मैं. हाँ ओए निकाल यहाँ से, मेरे को मारेगा, इधर आओ. देखो कितने स्लाइम बॉल को मिलने वाले, एक मारा मैं बेइज्जती करा दी, 3 ही मिली, मेरे को तो लग रहा था ज्यादा मिलेगी. तू निकल यहाँ से. हाँ तो अभी मुझे इन स्लाइम्स को ही ढूंढना है. तो गाइस एक बारी ना आप लोग सामने की तरफ में देखो, मतलब यार इतने सारे क्रीपर्स स्पॉन हो रखे हैं ना, देख के डर लग रहा है भाई इनको. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाई ये क्या है, हेलो ये रियल नहीं लग रहा मेरे, बट सीरियस की तरफ. ओ भाई गंदा ही धमाका होगा भाई, ये कुछ ज्यादा डेंजरस था. अरे अरे ये रह गया था, ठीक है ये भी गया, अभी भी एक रह रहा होगा जहां तक मुझे लगता है क्योंकि एक नीचे गया था ना यहाँ से. अबे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं स्लाइम बोल लेने आया था ना, फालतू की चीज नहीं बोली स्लाइम. जल्दी चल हेड पे, मेरे पास इलाइट्रा मैंने उतार दिया है और मेरे पास फास्ट सोकर है तो मैं नदी पार करके यूं ही जा सकता हूँ. और ये तो बड़ी वाली है, आ जा भाई अटकी पड़ी है, आ जा. वैसे मेल है फीमेल है मुझे तो ये भी नहीं पता. हाँ अटका पड़ा है, पड़ी है, जो भी है. इधर आओ भाई, एक मिली, यहाँ से भी 2 मिली और ये 1, 2
16. अबे हो जाएगी आराम से. ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल स्लाइम इकट्ठे करते करते यहाँ पे सुबह होने वाली है और मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 स्टैक स्लाइम कलेक्ट कर लिया. ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 स्टैक 2 स्टैक एंड 45 स्लाइम मेरे को यहाँ से मिल गई है और मैं किस खुशी में अपनी सॉर्ट पैक कर रहा हूँ. ठीक है लेट्स गो. अभी फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं. ये लोग भी आ जाएंगे ना इसके ऊपर चल के. पीछे कोई नहीं आएगा मेरे अलावा, तू भी निकलना. उतरी ये कहाँ से? मैं जा रहा हूँ वेट, मैं जा रहा हूँ वापस से अपने कासल में भाई. ओके गाइस, तो बिना फिलहाल मैं भागता अपने कासल में पहुंचने वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि सुबह होने से पहले ना हम लोग एक बारी सो जाते हैं वरना ये बारिश रुकने नहीं वाली. लेट्स गो, फटाफट से हम लोग चलते हैं अंदर. ये वाला गेट मैंने खोल दिया और एक मिनट, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा भाई. सब लोग कमेंट में लिखते हैं कि भाई इतना बड़ा कासल है लेकिन सोने के लिए स्टोर रूम बना रखा है, बट हाँ आज से ये जगह बंद, परमानेंट बंद. मैं यहाँ कभी जाऊंगा, मैं भी ऑक्सीडन बेडरॉक लगाएंगे वहाँ पे हम लोग. और बेडरॉक कहाँ से आएगा? हाँ, तो आज से मेरा रूम ये होने वाला है भाई. मैं यहाँ छुप के नहीं सोऊंगा यार. राजा वाली बातचीत चाहिए ना आपको, यही चाहिए ना कि हाँ भाई एक कासल है तो ढंग से तो सो. तो लो भाई ये लगा दिया मैंने अपना बेड. ठीक है, अभी सब लोग खुश तो जाओ लाइक का बटन दबाओ इसी बात पे, सोते हैं. वाओ, दिन हो चुका है यार. चलो कोई नहीं, फिलहाल जब तक बारिश नहीं रुकती है ना मैं एक काम करता हूँ. मैं पता क्या सोच रहा था कि जितना भी सामान हमें 1.17 वाले अपडेट से मिलने वाला है ना उसको हम लोग एक सेपरेट जगह पे रखेंगे तमीज से, क्योंकि जिस तरीके से सामान फैला हुआ ना यार मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. मतलब कोई भी चीज़ टाइम पे ना फिर मिलती नहीं है. तो अभी काम करते हैं फटाफट से ना, हम लोग ढेर सारी चेस्ट बना लेते हैं. और ढेर सारी चेस्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ये टोटल 8 चेस्ट बन गई और चेस्ट बनाएंगे यार, जरूरत है अभी बहुत सारी चेस्ट की. 14 चेस्ट मैंने यहाँ पर बना दिए और 3-4 इसमें भी पड़े रहते हैं हमेशा ही. और है क्या? हेलो, ओके यहाँ पर और चेस्ट नहीं है. और हाँ ये भी मैं ले लेता हूँ. इसके अंदर गाइस काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि हमें वर्जन 1.17 से मिला है. यहाँ से मेरे को एक लेना है हॉपर, स्पाइडर ड्राइव फेंकते हैं. अब हम लोग चलते हैं जल्दी से इस वाले रूम में और अभी मेरे को ढेर सा ये देखो ये तेरी कमी थी ना तेरी पैंस की. जा बेटा स्माइट 5 वाली स्वॉर्ड लाता हूँ, एक एक को मारूंगा गंदा, क्योंकि मैंने देखा है शार्पनेस से उतना डैमेज नहीं जा रहा जितना मेरी स्माइट से जा रहा है. ये मैंने रख दी अपनी लूटिंग वाली. अब आ जाओ बेटा, स्माइट पड़ेगी तुम्हारे रख रख के. कौन सा क्रीपर है? हाँ भाई निकल निकल तेरी. ओ नहीं सॉरी तेरी भाई फूट जाता है. तू क्यों निकल यहाँ से? मेरे को मारोगे तुम? लेटा लेटा के पटका भाई इनको तो मैंने. ठीक है, तो भी इन तीनों को मैंने मार दिया. और वो देखो सामने यार ये क्रीपर का कासल है. मैं हूँ ही नहीं राजा इस कासल का, क्रीपर है राजा. वैसे मैं यहाँ पे करने क्या आया था मुझे तो यही नहीं याद आ रहा. ओके हाँ, तो मैं यहाँ पे स्लैब बनाने आया था और मैंने स्मूथ स्टोन ऊपर से ले लिए हैं. इन तीनों को यहाँ पे रखता हूँ और ढेर सारे स्लैब बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से. 18 स्मूथ स्टोन स्लैब अपने पास हो चुके हैं और इसको ना कुछ अच्छे तरीके से हम लोग इस जगह पे. यार मैं इतना शो ऑफ क्यों कर रहा हूँ यार स्पाई ग्लास का? ठीक है, इसको नॉर्मली लगाते हैं. तो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ना चेस्ट रखनी है. तो 1 2 3 तीन चेस्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंड 1 2 3 तीन चेस्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे. इसको एकदम कॉर्नर से लगा देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है. इस पर कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह कर देंगे एंड अभी हम लोग यहाँ पर ना चेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं. जितना भी सामान मेरे को मिलेगा ना अब जो जो नया नया मिलेगा उसको मैं एकदम ना तमीज में ला के यहाँ पे रखूंगा. अब देखते हैं ये तमीज मेरी कब तक चलती है, क्योंकि मुझे जब भी जल्दबाजी होती है ना भाई फिर मैं नहीं देखता सामान तमीज में जा रहा है या फिर नहीं. ठीक है, तो वेट आपको यहाँ पर ऐसे लगाना होगा, ऐसे 1 एंड 2. और शायद बाहर बारिश भी बंद हो चुकी है तो हम लोग इन फालतू काम को छोड़ के ना बाहर चलते हैं. बाकी हाँ अभी इनके अंदर ना मुझे सामान डालना है और जितना भी सामान मेरे शल्कर बॉक्स में ना गाइज ये सारा का सारा वही सामान है जो कि इस न्यू अपडेट में आया है. तो मुझे सारा सामान शल्कर बॉक्स का ना इसके अंदर शिफ्ट करना है. तो बस मैं ऊपर शल्कर बॉक्स रखूंगा और सारा सामान इस चेस्ट के अंदर आना शुरू हो जाएगा. तो मैं इसमें से भी रखवाता हूँ, जैसे कि मान लो इसके अंदर ये वाले ब्लॉक मेरे को जो मिले थे ना लास्ट टाइम कैलसाइट है शायद से, इसको रखवा देते हैं. एंड कैलसाइट के अलावा ये वाला जो ब्लॉक है अपना ब्लॉक ऑफ रॉ कॉपर, कॉपर के ब्लॉक हम लोग इसमें रखवा देते हैं. और ड्रिप स्टोन के लिए मैं ये वाली चेस्ट चुनूंगा. ड्रिप स्टोन का लेकिन गाइस अभी काम है तो इसको रखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसका भी एक फार्म बनाने वाले हैं. कॉपर इसमें रखवा देते हैं. एंड मेरे पास ना गाइस ये एमेथिस्ट भी है. नीचे वाली चेस्ट में मैं ये एमेथिस्ट और ये शार्ट्स रखने वाला हूँ. शार्ट्स में कुछ इसमें से भी मिले थे, ये ब्लॉक ऑफ एमेथिस्ट, स्मूथ बेसॉल्ट, बहुत कुछ है. ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने सारा सामान अच्छे से संभाल के रख दिया. यहाँ पे कॉपर और भी है, ब्लॉक ऑफ रॉ कॉपर भी है, रॉ कॉपर भी है और कॉपर इनगेट भी है. सब कुछ मैंने यहाँ पर तमीज से रख दिया है. बाकी इसके अंदर जो जो सामान है वो हम लोग अपना बाद में ठीक करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी ना काफी सारी चेस्ट और काफी सारी कैटेगरीज में मैं डिवाइड करने वाला हूँ. जैसे कि इसमें को टफ मिला है, मॉस मिला है, आई डोंट नो इसका कहाँ पे भी यूज होने वाला है, बट हाँ ये शायद से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आगे चल के बहुत काम आने वाली है. और उन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखो ये मीडियम एमेथिस्ट बर्ड, ये पता नहीं क्या क्या है, मुझे खुद आइडिया नहीं है इसका क्या क्या यूज होने वाला है. मैंने लास्ट टाइम ये जो स्पाई ग्लास ही बनाया था, जो शार्ड मिले थे उससे,
और अभी तक मैंने इसका कुछ यूज नहीं करा है फिलहाल। हाँ अभी सब कुछ एकदम मस्त हो चुका है। अभी काम करते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें इकट्ठी करते हैं जो कि हमें एक अनलिमिटेड अल्ट्रा जायंट ड्रिप स्टोन फार्म बनाने के लिए चाहिए होगी। तो यहाँ पर ना मुझे सबसे पहले तो ड्रिप स्टोन के ब्लॉक और ढेर सारे ये पॉइंटेड ड्रिप स्टोन इकट्ठे करने होंगे। मुझे मालूम है हम लोग इसका अनलिमिटेड फार्म बनाने वाले हैं, इतने से भी फार्म बन जाएगा बट थोड़ा छोटा बनेगा। हमारे पास ये जितने ज्यादा होंगे ना ड्रिप स्टोन ब्लॉक एंड पॉइंटेड ड्रिप स्टोन उतना अच्छा अपना फार्म बनेगा। तो मैं एक बार जाऊंगा थोड़े से और इकट्ठे करके आऊंगा। फिलहाल मुझे ढेर सारे स्टिकी पिस्टन भी बनाने की जरूरत थी बट मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे दो नहीं चार जितने ले लेते हैं यार, बाद में कम पड़ेंगे रख देंगे क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं उसे कैसा बनाने वाला हूँ। हाँ उसको वहीं पर चल के हम लोग सीधा ट्राई करने वाले हैं। यार इसके अंदर इतनी सारी चेस्ट पड़ी थी, मैं खाली पीली वुड खराब कर रहा हूँ? कोई नहीं यार, ये जो चेस्ट और ये होपर है ना ये अपने बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं क्योंकि जब ड्रिप स्टोन हमें उस फार्म से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जाके तो वो कलेक्ट होंगे ना, तो वहीं पर हम लोग इस चेस्ट का यूज कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिलेगा उस फार्म से हमें। तो ये इनफाइनाइट है भाई, काम आने वाला है, होपर्स भी काम आ जाएंगे। तो हमें रेड स्टोन भी चाहिए, होपर भी चाहिए, चेस्ट भी चाहिए, ड्रिप स्टोन भी चाहिए और पॉइंटेड ड्रिप स्टोन भी चाहिए, स्टिकी पिस्टन्स भी चाहिए एंड ब्लॉक, हाँ ब्लॉक ऑफ स्लाइम मेरे को भी बनाने पड़ेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर जितने मैक्स बनते हैं मैं सारे के सारे बनाने वाला हूँ। यहाँ पर इसको भी कुछ वेट, इसको मेरे को ना एकदम सही तरीके से यहाँ पर डिवाइड करके बनाना होगा। ये उठाया एंड ये मैंने इसे पार्ट कर दिया टोटल 9 में एंड 14 बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि आपको पता होगा एक स्टिकी पिस्टन एक बार में मैक्स 7 कनेक्ट कर पाता है एक साथ, शायद आपको पता होगा। बट हाँ ठीक है, वैसे गाइस पता से मुझे ये याद आया कि अभी ना मैं एक दो दिन पहले माइनक्राफ्ट खेल रहा था, ऐसी कुछ भी मस्ती करे जा रहा था, मॉब स्केलेटन कूट रहा था मैं, लेकिन तभी मुझे गलती से एक ऐसी ट्रिक पता चली जो कि शायद ही माइनक्राफ्ट में 10% बंदों को भी मालूम होगी, 10 मिनी शायद से 1% बंदों को ही मालूम होगी। ये ट्रिक काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और मैं तब बताऊंगा जब आप लोग चैनल को करोगे सब्सक्राइब। मैं 100% कह रहा हूं, मजा आ जाएगा सुन के। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, 3, 2, 1 दबा दिया, नहीं दबा दो मैं दिख रहे हो भाई तुम लोग, नहीं दबाया तुमने फटाफट से, 3, 2, 1 हाँ अभी कुछ रह रहे हैं उन्होंने अभी भी नहीं दबाया वरना बहुत सारे लोगों ने अब दबा दिया, तो लेट्स गो सब्सक्राइब कर दो। अब बारी है इस ट्रिक को रिवील करने की। मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो ये ट्रिक मैंने कहीं पर नहीं देखा, मतलब मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि यार देखो हो सकता है कि बहुत से प्रो प्लेयर भी इस वीडियो को देख रहे हो और शायद से उनको ये ट्रिक मालूम हो, या फिर हो सकता है कि ट्रिक कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल हो, मैं काफ़ी ज़्यादा इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ। बट हाँ मैंने जिन जिन से पूछा अपने फ्रेंड्स से वो लोग कह रहे हैं कि उनको आज से पहले ऐसा कुछ पता नहीं था माइनक्राफ्ट में। तो देखो गाइस ये है अपना नेदर पोर्टल, इसके पार जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, नेदर वर्ल्ड में। बट क्या आप लोग को मालूम है कि इसके पार हम लोग अपना सामान भी भेज सकते हैं? नहीं ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये टॉर्च मान लो मैंने फेंकी ये उस पार चली गई, बट ये आपकी नहीं होने वाली। देखो मुझे आप लोग अभी ट्राई करोगे जाके अपने वर्ल्ड में, आपकी नहीं काम करेगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये एरो है ठीक है, मैंने वेट यार इसके अंदर एरो, बे यार बो तो है बट इसके अंदर एरो नहीं है, 2 मिनट एरो लेके आता हूँ। ओके गाइस तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो ये अपना नेदर है और मैंने इसमें ऐसे एरो मारी और आप लोग ध्यान से देखो अपनी जो एरो है ना वो उस पार जा रही है ठीक है, ये देखो 1, 2, 3 उत्तरी भैंस की, ये 1 मिनट ये कहाँ से टपक गया, अरे यार तेरी ऐसी तसी, 2 मिनट वीडियो शूट हो रही है अभी बाद में आना ठीक। हाँ पता नहीं ये पहली पहुंच जाते भीख मांगने, सारी एरो आपने देखा कि उस पार गई है, मैं आपको उस साइड भी जाके दिखा देता हूँ, ये देखो सारी की सारी एरो इधर आ गई। बट क्या आपको मालूम है कि अगर कोई बंदा नेदर में खड़ा हुआ है और हम लोग उसको यहाँ से भी खड़े खड़े मार सकते हैं, मतलब उसकी फिक्स पोजिशन होनी चाहिए बस, ये देखो ये एरो ना हम लोग चाहे तो उस पार भी भेज सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, एक बो एरो लेनी है और अलग अलग डायरेक्शन में चलाते रहनी है, सारा सामान एरो सब, ये देखो ये वाली एरो उधर गई है, ये भी गई, ये भी, ये नहीं गई, ये गई, ये भी गई और अभी सब जाने लग जाएगी थोड़ी देर में, हमें बस ना ऐसे बार बार ही करते रहना है। आई डोंट नो ये ग्लिच है या क्या है माइनक्राफ्ट का, बट अभी जितनी भी एरो है ये सारी नेदर में जा रही है और अगर उस पार कोई बंदा खड़ा है उसके कटाई का एरो पड़ेगी और उसे कुछ शक ही नहीं कर सकता यार वो कहाँ से आई है अगर उसने ये वीडियो नहीं देखा तो। और साथ ही हम लोग सामान भी, या आप अगर आप नॉर्मल वर्ल्ड में करोगे ना आपने देखना नहीं होगा कि कोई हैक कोई चीट नहीं है, ये ग्लिच हो जाता है बार बार ही, उसके अंदर एरो चलाते रहो इधर 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 इधर, मैं ऐसे कह रहा हूँ ना मैं ऐसे मस्ती कर रहा था पूरी अपने आप होने लग गया और पता नहीं ये कैसे हो रहा है। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ सारी एरो, ये देखो ये रही सारी एरो वो देखो कहाँ आके लगी हुई है, वीडियो में कोई कट वट कुछ नहीं है, पता नहीं यार ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है यार, मैं काली बिली काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रहा हूँ इसको लेके कि हाँ मैंने कुछ इन्वेंट कर दिया हो माइनक्राफ्ट में, पता नहीं यार। देखो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना, ऑनेस्टली बताना यार, ऐसा नहीं कि थोड़ा कूल बनने के लिए आप लोग लिख दो कि हाँ मुझे तो मालूम थी पहले से, सच्ची सच्ची बताना यार, देखो खुद
कुछ अलग अलग ढूंढा यार बड़े दिन बाद। मतलब कि अगर मान लो मैं नेदर में कोई फार्म है, जैसे अपना गोल्ड फार्म है, मुझे उसका ना सारा सामान, मान लो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे को ऐसा चाहिए कि मुझे उधर ना जाना पड़े, मेरा सारा सामान इधर ही आ जाए, अपने आप ही इस वर्ल्ड में आ जाए, तो मैं ऐसे एक डिस्पेंसर लगा सकता हूँ। डिस्पेंसर सारा सामान उठा के फेंकेगा और वो सामान पोर्टल से इधर निकलेगा, इधर वाले पोर्टल से इस साइड आएगा, इधर से एक हॉपर लगा देंगे, वो ऊपर सारा सामान कैच कर लेगा। ये कुछ ज्यादा ही मैथमेटिकली चले जाता हूं मैं, बट हाँ इसको बना के टेस्ट करेंगे कभी। फिलहाल आज हम लोग ड्रिप स्टोन बनाने वाले हैं, जो स्लाइम ब्लॉक चाहिए थे 1 2 3, और क्या चाहिए होगा इसके लिए, थोड़े बहुत प्लैंक्स वगैरह हम लोग ले लेते हैं, एक्स्ट्रा कॉबल स्टोन भी है, नहीं फाड़ दी जाए। वैसे गाइस अभी ना मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई है। मैं इतने दिनों से सोचता था कि मैंने अपनी कासल में इतनी बड़ी बड़ी लैंटर्न्स लगा रखी है, इतनी ज़्यादा रोशनी है, फिर भी मॉब्स क्यों स्पॉन होते हैं। और अभी मुझे याद आया कि मैं फुल ब्राइटनेस करके खेलता हूँ। अब देखो भाई असली लुक ये है अपनी कासल की, यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो भाई सीधी सी बात है ना, यहाँ पर मॉब्स स्पॉन होंगी, मुझे यहाँ पर बहुत सारी टॉर्चेस लगानी पड़ेगी यार, मतलब रोशनी ही नहीं है बिल्कुल। वो देखो भाई सामने एक्सपी फार्म बना पड़ा है फिलहाल। हाँ उत्तरी भैंस की, ओ वेट वेट, पहले से मैं मारता हूँ भाई, कसम से काफी ज्यादा अंधेरा है यार इधर, मैं आपसे ब्राइटनेस फुल नहीं करूंगा। तो हाँ गाइस अभी हमें जिस जिस सामान की जरूरत थी उस फार्म को बनाने के लिए हमें जो जो चीज चाहिए है वो मैंने सारी इकट्ठी कर लिया है। थोड़े बहुत पिस्टन्स और बनाने हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 नॉर्मल वाले पिस्टन्स बनाने हैं। एंड पिस्टन बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा बहुत वुड, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है, इससे हम लोग बना लेते हैं प्लैंक्स। और पिस्टन की रेसिपी शायद से कुछ ये होती है जहाँ तक मुझे याद है, 2-2 रख देता हूँ क्योंकि 2-2 मेरे को बनाने हैं। एंड ऊपर हमें शायद से कॉबलस्टोन रखने होते हैं, 1 2 एंड 3, वेट नहीं बीच में रेडस्टोन 1 2। यार ये रेसिपी नहीं होती मेरे साथ, हमेशा स्कैम क्यों होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे वाले पिस्टन ही लगते हो। ओ मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी मेरे को पता थी ये। ओके गाइस तो अभी ना मैंने यहाँ पे 2 पिस्टन क्राफ्ट कर लिए हैं, और अभी मुझे याद आया कि मुझे ना 2 ऑब्सीडियंस की भी जरूरत है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 3 ले लेते हैं 2 की बजाय। एंड अभी सब कुछ हो गया है, अभी ना गाइस बस मुझे थोड़ा बहुत ड्रिप स्टोन कलेक्ट करके लाना होगा, ब्लॉक ऑफ ड्रिप स्टोन और ये नॉर्मल वाला ड्रिप स्टोन बस, और एक चीज छोटी सी और, वाटर बकेट, मुझे वाटर बकेट भी चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता है यार अनलिमिटेड वाटर सोर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ से मैं 3 बकेट उठा लेता हूँ, यही अपने काम आ जाएगी। और इसके अंदर वाटर, ओके यहाँ पे वाटर बकेट भी पड़ी है, ये भी ले चलते हैं, ये भी अपने काम आने वाली है। एंड ये गोल्ड नगेट हटाओ भाई, लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं ड्रिप स्टोन इकट्ठे करने। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी कासल से अराउंड 5 to 6,000 ब्लॉक्स दूर आ गया हूँ, क्योंकि यार देखो जो जगह पहले रेंडर हो चुकी है ना उस जगह पर 1.17 वाले अपडेट की चीजें नहीं आई हैं, तो इसीलिए मुझे अपने मतलब एक ऐसी दूर जगह पर आना पड़ता है जहां पर मैं आज से पहले कभी नहीं आया हूं। फिलहाल ये बीच रास्ते में वुड कैसे निकल रही है, वेट शायद यहाँ पर आसपास कोई शिपरैक होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हाँ यहाँ पर एक पक्का शिपरैक है और उसके अंदर से मुझे एक खजाने का नक्शा मिल सकता है, बट यार वो मुझे नहीं चाहिए। अभी मेरे को ड्रिप स्टोन फार्म बनाना है, उसके लिए मेरे को ढेर सारे ड्रिप स्टोन चाहिए होंगे, तो फटाफट से ना गाइस हम लोग यहाँ पर माइन करते हैं, सीधा नीचे चलते हैं। वेट यहाँ पानी कहाँ से, बीच से कहाँ से पानी निकल रहा है भाई, हेलो रुक जाओ, पहले मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, देन हम लोग इसको ना इस जगह को बंद करते हैं, वरना यहाँ पर भैया सांस लेने में बहुत ही गलत वाला दम घुटने वाला। लेट्स गो, मैं आराम से यहाँ पर नीचे डिग करके जा सकता हूँ, और ये जगह बस मुझे कोई केव में ले जाके मिला दे तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं दूसरी वाली साइड से डिग करता हुआ काफी ज्यादा आगे तक आ चुका हूँ, और अभी मैं ऊपर से सीधा गंदी तरह नीचे आगे गिर चुका हूँ। लेट्स गो, अभी फिलहाल मुझे ना एक मस्त रिवेन मिल चुकी है, और वैसे भी जो ड्रिप स्टोन्स होते हैं ना वो इस टाइप की रिवेन्स में ही इजीली मिल जाते हैं, और यहाँ पर उत्तरी भैंस के नीचे डायमंड्स है, वाओ भाई क्या ही किस्मत है। रुक जाओ इस डायमंड को मैं तोड़ता हूँ, बट मैं इस वाली पिकैक्स से नहीं, इसको मैं अपनी दूसरी पिकैक्स से तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि उसके अंदर लगी हुई है फॉर्च्यून। एक ब्लॉक तोड़ूंगा तो मुझे 2 से 3 डायमंड्स मिलेंगे, इसको मारता हूँ। देखो एक मैंने तोड़ा, और यहाँ पर इसके अंदर फॉर्च्यून नहीं लगा क्या, हाँ इसके अंदर फॉर्च्यून 3 लगा तो है। ये देखो इसमें से 2 डायमंड्स निकले, इसमें से भी अच्छे खासे डायमंड यहाँ से मेरे को मिलने वाले, भाई मजे आ गए। अभी इन डायमंड्स को ये हड्डी फेंक देते हैं, इसकी जगह मैं डायमंड्स उठा लेता हूँ सारे। ये वाला जो ब्लॉक है ना ये थोड़ी सी जगह घेर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इस ब्लॉक को यहाँ पे रख के इसे तोड़ देता हूँ, एंड ये भी कलेक्ट हो जाएगा। लेट्स गो, फिलहाल मुझे धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना है, और यहाँ पर और भी काफी सारे डायमंड्स, उतरी डायमंड छोड़ो वहां पर तो ढेर सारे ड्रिप स्टोन भी है, ये वैसे इतनी भी ज्यादा रेयर नहीं है जितना रेयर में से सोच रहा था। और यहाँ पर अभी काफी सारा देखो रॉ कॉपर भी पड़ा हुआ है, रॉ कॉपर भी ले लेते हैं। और अभी ना मैं एक सबसे मस्त काम ये करता हूँ कि जो जितना भी लावा है ना यहाँ पर हम लोग वाटर डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, सारा ऑब्सीडियन बना देंगे। मेरे हाथ में टॉर्च है तो अंधेरे से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो भाई, यहाँ तो काफी सारे डायमंड है, ये थोड़ा भाई इतने ज्यादा डायमंड्स मतलब रिवीन में बहुत इजी हो जाता है ढूंढना, क्योंकि हमें माइन नहीं करना होता,
एक वाटर बकेट ले लो, जो भी लावा वावा का डर होता है आराम से यहाँ पर ऐसे डालते रहो और सारा लावा खत्म कर दो। लेट्स गो। जैसा कि मैंने किया, सारे लावा को मैंने ऑब्सीडियन बना लिया है। अभी मुझे इसे तोड़ना है अपनी इस वाली पिकैक्स से। और ये देखो, मेरे को यहाँ पे ब्लॉक भी मिल चुका है एंड पॉइंटेड ड्रिप स्टोन भी मिल चुका है। एक टॉर्च मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि इस तरफ में भी दो दो पड़े हुए हैं, ये मेरे को ढेर सारे चाहिए। लेट्स गो। यहाँ पर भाई कम नहीं है, काफी सारे पड़े हैं, नेदरराइट से ही तोड़ते हैं इसे। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो काफी सारे ड्रिप स्टोन के ब्लॉक्स है, मतलब अनगिनत है भाई। यहाँ तो पूरा का पूरा रास्ता गया हुआ है। मैं बस इसके नीचे वाला तोड़ूंगा, सारे अपने आप आके कलेक्ट हो जाएंगे। ये तोड़ा, ये भी मिल गया, ये भी तोड़ा, भाई यहाँ तो बहुत सारे हैं। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स और तोड़ डाले हैं, जल्दी से हम लोग इसे कलेक्ट कर लेते हैं। 3 से 4 स्टैक मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं और शायद से इतने ज्यादा की तो हमें जरूरत भी नहीं है। बट हाँ, ये जो पॉइंटेड वाले हैं ना, ये तो मुझे चाहिए होंगे। तो फटाफट से ना गाइस, जितने भी ये पॉइंटेड ड्रिप स्टोन है ना, ये मैं सारे कलेक्ट कर लेता हूँ एक ही बार में। ऊपर चलते हैं एंड सिर्फ इसको कलेक्ट करके मैं नीचे आने वाला हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये दो मिल जाएंगे, 1-2 एंड ऊपर है कोई उत्तरी। भाई ये तो काफी ज्यादा है यहाँ पर। ये देखो, एक बार इन्हें मैं चेक करता हूँ कि आखिर इसे तोड़ने पे मेरे को कितना डैमेज मिलने वाला है। भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर ही जाऊँ इससे। वैसे यहाँ इतना भी डैमेज नहीं देगा ये, तो मैं इसके एकदम एग्जैक्ट नीचे खड़ा हूँ। ये मैंने तोड़ा और ये ऊपर है इसकी। अरे 4 HP ले गया यार ये तो। मेरी HP फुल थी क्या? मेरे को याद नहीं है भटा, इससे HP तो गई है अच्छी खासी। अगर नॉर्मल भाई देखो, मेरे पास नेदरराइट है और उसमें ये देखो क्या लगा हुआ है, Protection 4, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। और अगर नॉर्मल होता तो मैं अभी तक मर जाता। वैसे गाइस, लास्ट टाइम मुझे ये ना लाइकन्स मिले थे और मैं इसे कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी सिल्क टच वाली पिकेक्स से भी ट्राई कर रहा था, बट शायद इसे कलेक्ट करने के लिए ना मुझे पीछे वाला ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा और ये अभी भी कलेक्ट नहीं हुआ। वाओ। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल इस साइड पर जितने भी ड्रिप स्टोन थे मैंने सारे के सारे कलेक्ट कर दिए हैं। शायद ऊपर वाली साइड पर ना एक यहाँ ड्रिप स्टोन बचा हुआ है। खैर छोड़ो, अभी भी मेरे पास काफी सारे हो चुके हैं, मुझे शायद से और की जरूरत नहीं है। फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, बट आगे का तो रास्ता ही बंद है। यहाँ पर एक रास्ता और जा रहा है, यहाँ पर माइन शाफ्ट भी है, स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, बट अभी यहाँ मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से वही बेटर है। अपना हो गया, वापस चलते हैं कासल। लेट्स गो। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं ये रॉकेट से उड़ता हुआ अपने कासल पे वापस पहुंचने वाला हूँ। और अभी पीछे वाली साइड पे ना एक देखो लंबा सा पेड़ था, यहाँ से नजर नहीं आ रहा है भाई। उस पर जो मैं ठुका हूँ ना, कसम से मरते मरते बचाऊ, 2 HP हो गई थी। बट हाँ, फाइनली हम लोग अपनी कासल पे वापस पहुंच चुके हैं, सारे के सारे रॉकेट्स खत्म हो गए। और वो जो फार्म है ना गाइस, वो मैं इसी जगह पर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लैंड कर लेते हैं, बट लैंड करने से पहले ना गाइस, मुझे काफी सारा वाटर चाहिए होगा, मतलब अनलिमिटेड वाटर सोर्स मेरे को बनाना है। और थोड़ी टाइम के लिए ना मैं अपने बूट्स उतार लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता होगा भाई, अपने बूट्स जो है ना वो पानी को फ्रीज कर देंगे जहां पर भी मैं जाऊँगा। हाँ, तो अभी ये फैक्ट देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत आराम से मेरे को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इसमें से मेरे को कुछ वाटर बकेट्स भरनी होगी, तो यहाँ पर जो पड़ी है इसको हम लोग भर लेते हैं। लेट्स गो। अपने पास 2 वाटर बकेट हो चुके हैं और अनलिमिटेड सोर्स बनाने के लिए 2 बहुत है। अपना अनलिमिटेड सोर्स बन जाएगा, वहां से हम लोग जितना चाहे उतना पानी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से अपना फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही वो फार्म ऊपर बनना है, तो मुझे नीचे का एरिया क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी थोड़ा बहुत लुक मेंटेन करने के लिए मैं हटा देता हूँ, बाकी जो लीव्स था वो अपने यहाँ बट जाएगी। एंड सेंटर मुझे देखना होगा, तो ये वाला जो ब्लॉक है आई थिंक ये, हाँ ये सेंटर है। लेट्स गो। तो फटाफट से हम लोग अपना जो फार्म है वो यहीं पर बनाने वाले हैं। फार्म ज़्यादा मतलब बड़ा तो बहुत है, काफ़ी सही भी चलेगा जहाँ तक मुझे इससे उम्मीद है, बाकी बना के देखने का ऐसा बनने वाला है। तो सबसे पहले कुछ टेम्प्रेरी ब्लॉक्स के लिए मैं कॉबल स्टोन ले लेता हूँ। एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ज़्यादा ऊपर बनाने की इसे जरूरत नहीं है, ये इसमें नीचे बनाओ ऊपर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ऊपर इसे बनाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो अभी ना मुझे यहाँ पर ड्रिप स्टोन ब्लॉक का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जिसके ऊपर मेरे ये पॉइंटेड ड्रिप स्टोन हैंग करेंगे, मीन्स लटकेंगे। और उसके बाद हमें उसके ऊपर डालना है वाटर, क्योंकि इनको ग्रो होने के लिए ना पानी चाहिए होता है, तो हम लोग ऊपर से पानी डाल देंगे। फिलहाल हाँ, मैं करके दिखाता हूँ ना सीधा। तो प्लेटफॉर्म जो होगा वो ना अपना कुछ, मैंने ना अभी स्टोन ब्रिक्स का बना दिया था गलती से, तो मैंने उसे दोबारा से तोड़ दिया है, क्योंकि स्टोन ब्रिक्स का यहाँ पर उतना मस्त नहीं रहेगा। हमें ड्रिप स्टोन ब्लॉक का ही बनाना होगा, तभी ये ग्रो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हाँ गाइस, अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये वाटर बकेट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो मेरे पास ना यहाँ पर 60 पॉइंटेड ड्रिप स्टोन है, तो मैं सोच रहा हूँ 60x10 का हम लोग बना देते हैं इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया मैंने 1, 5 इस साइड पे लगाते हैं, 5 इस साइड पे लगाते हैं, 10 हो जाएंगे। और 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, 6x10 हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ये 3 ये हो गए, अब 3 इस साइड पे, 1, 2, 3 तो ये हो गया अपना 6। एंड सेम टू सेम मुझे अभी उस साइड पे लगाने हैं, इस साइड पे 5, उस साइड पे 5, तो ये 1 हो गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये पूरे 5 हो गए हैं, तो मुझे 10 करने हैं, तो 5 इधर और लगेंगे, 1, 2, 3, 4,
5, तो ये 6 × 10 हो जाएगा। फटाफट से हम लोग इसे पूरा कवर कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ओ अभी मैं नीचे चले जाता भाई, वेट आराम से। ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली अपना जो बेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस बेस के ना चारों तरफ मुझे एक बाउंड्री खड़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना गाइस अभी यहाँ पर एक मस्त मतलब पूरे एरिया में ना इसके ऊपर वाटर डालना है, तो पानी बस नीचे ना जाए, इसलिए मैं एकदम मस्त वाली यहाँ पर एक बाउंड्री भी बनाने वाला हूँ। ये वाला ब्लॉक ना गलत लग गया है, इसको तोड़ते हैं। देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दोबारा से 1 2 3 4, मैं नीचे ना चले जाऊँ काफ़ी तेज करने के चक्कर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, लेट्स गो, पूरे बराबर के ब्लॉक थे मेरे पास। अब मुझे 2 वाटर बकेट लेनी है, एक इधर डालनी है और एक गैप छोड़ के इधर डालनी है, ताकि अनलिमिटेड वाटर सोर्स यहीं पर बन जाए, हमें कोई स्पेशल वाटर सोर्स बनाने की जरूरत ना पड़े और नीचे जाने की जरूरत ना पड़े। और कुछ ही सेकंड में अभी देखना ये पूरा भर जाएगा, एक एक ब्लॉक में अभी पानी भर चुका है कुछ ही सेकंड में, और यहाँ पर पूरा ये जो बेस है पूरा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया है। अब इसके नीचे मेरे को एक बार ना जाना पड़ेगा, मुझे देखना होगा कौन से ब्लॉक से मैं ऊपर आया था, वरना मैं डायरेक्टली नीचे चले जाऊँगा। इसे तोड़ता हूँ गाइस, एक सेकंड के लिए मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर, हाँ ये वाला ब्लॉक है ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाते हैं। एंड अभी मैं यहाँ से चलता हूँ थोड़ा सा नीचे इस तरीके से, लेट्स गो, आराम आराम से हम लोग जाएंगे। ये पानी नीचे कैसे जा रहा है? अच्छा इसमें से निकल के जा रहा है, ठीक है ठीक है, वो मेरे को लगा पूरे में जा रहा है पानी, तो पानी को हम लोग पहले नीचे जाने देते हैं। अब मुझे इसमें जितने भी एरिया है ना यहाँ पर मुझे पॉइंटेड लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड उधर तक मेरी रेंज ही नहीं पहुँच रही, वेट यहाँ पर एक लगाया, अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वैसे गाइस अगर मेरे पास ज़्यादा पॉइंटेड ड्रिप स्टोन्स होते तो मैं इसको और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना पाता, बट हाँ यार अभी इससे मिली जाने तो हम लोग इसे जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। और आप लोग देख पा रहे हो ड्रिप स्टोन में से कितना ज़्यादा प्यारा सा ये पानी, एकदम से प्यारी सी बूंद सी टपक रही है, बट हाँ एकदम मस्त ये सेट हो चुका है। अभी हमें ना गाइस इसमें बस एक ब्लॉक का गैप देना है, मतलब ये गैप हो चुका है ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, बस 1 मिनट यार, मैं जंप मारूंगा मेरी हेल्थ तो नहीं चाहेगी ना, मैं चुपचाप पीछे चले जाता हूँ। अब बस ना गाइज मुझे इसे तोड़ने के लिए एक मस्त सेटअप करना होगा। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो मुझे बस ना अभी यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि इन सभी ड्रिप स्टोन्स को इनके ग्रो करने पे तोड़ता हुआ चले जाए और वो सारा आकर मेरे पास कलेक्ट हो जाए ठीक है। तो अभी बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ना पहले तो मेरे को लगाना है एक ऑब्सीडियन चाहिए होगा, अभी मुझे स्टिकी पिस्टन चाहिए, नॉर्मल पिस्टन चाहिए, स्लाइम चाहिए और ये इनका काम अभी बाद में है। तो गाइज मैं आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वाला जो आप ऑब्सीडियन देख पा रहे हो ना, ये मैंने इस फ्लाइंग मशीन को रोकने के लिए लगाया है, क्योंकि जब ये ड्रिपस्टोन तोड़ती हुई उस साइड पे जाएगी ना तो ये आगे तक चले जाएगी, फुल एकदम ओपन स्काई है, तो उसे रोकना जरूरी है वरना उसे वापस लाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाला पिस्टन तो रुक जाएगा जो इस साइड पे लगा हुआ है। अब ये वाला जो स्टिकी पिस्टन है इसे रोकने के लिए हमें इस साइड पर एक ये ऑब्सीडियन कुछ इस तरीके से लगाना है, बस अपना काम हो गया। अब इसके बाद मुझे सेम सेटअप यहां पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीन एक ही रहेगी, बस वो राइट लेफ्ट मूव करते रहेगी। बस हाँ मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब ये इधर आए तो ये एक करंट दे और वो जो करंट है घूम के जाए और ये मशीन ऑटोमेटिकली वापस चले जाए, ताकि मुझे उधर जाके ना कोई एक्स्ट्रा बटन दबाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर पहले तो मैं एक ब्लॉक लगा लेता हूँ और अभी इस मशीन को मैं एक बारी के लिए टेस्ट कर लेता हूँ कि आखिर में ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। और मैं एक नहीं दो चीज़ में लाना भूल गया, तो अभी मुझे लेकर आने हैं कुछ ऑब्जर्वर्स और कुछ रिपीटर। ओके गाइस तो मैंने ना यहाँ से दो रिपीटर्स ले लिए हैं और 4 ऑब्जर्वर्स ले लिए हैं, वैसे इतने की तो ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल। हाँ अभी हम लोग फटाफट से अपने एकदम फार्म में मस्त वाली लैंडिंग मारने वाले हैं, लेट्स गो भाई। क्या ही प्यारी लैंडिंग हुई है, बट वेट मुझे यहाँ पर लैंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे को यहाँ पर आना है ठीक है। तो ये देखो भाई ये ग्रो होना स्टार्ट भी हो गए, देख रहे हो यहाँ पर थोड़े से बढ़ चुके हैं। अब बस मैं एक एक को तो आके तोड़ूंगा नहीं ना, ये ऑटोमेटिकली फुली ऑटोमेटिक भाई, जितने भी फार्म बनाएंगे ना आपसे तो सारे फुली ऑटोमेटिक होंगे, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने इसे कर दिया था और अभी मुझे ना इसे स्टार्ट कर देखना है, और इसे स्टार्ट करने के लिए मुझे ऑब्जर्वर को कुछ इस तरीके से रखना होगा कि इसे ऑटो डिटेक्ट कर ले। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे रख दूँ और इस वाले को ऐसे रख दूँ तो शायद से अभी एकदम मस्त काम करने वाले हैं। और मुझे इसको ना ऐसे बटन से काम करवाना है ठीक है, तो अगर इसे बटन से काम करवाना है तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 1 मिनट, इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा एंड इसके पीछे नहीं तोड़ा गलत, मैंने उसे तोड़ना नहीं था, उसके पीछे ना बस मुझे यहाँ पर एक पिस्टन लगाना है। तो ये मैंने तोड़ के अभी अपना काम समझ लो गाइस, हो गया ये मैंने तोड़ा। इसके ऊपर मैं चाहूँ तो कोई भी बटन लीवर कुछ भी रख सकता हूँ, फिलहाल अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। वैसे यहाँ बटन तो मैं इजीली क्राफ्ट कर सकता हूँ, मेरे पास वुड थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो अभी इस बटन को मुझे लगाना है पीछे वाली साइड पर और ये मैंने दबाया
और ये काम नहीं करा। हेलो, क्या दिक्कत होगी भाई साहब? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी गाइस, इसमें भी ना कुछ कुछ मिस्टेक्स है। मतलब ये सब हमें यहाँ से पहले इसके रास्ते से हटाना होगा ना, तभी तो ये आगे बढ़ेगा, वरना ये सब चीज़ें इससे चिपकी रहेगी तो ये कैसे मूव करेगा। तो यहाँ पर जितने भी ये फालतू के ब्लॉक्स हैं ना, मैं पहले तो इन्हें सारे के सारे यहाँ से हटा देता हूँ, जितने भी स्लाइम से अटैच हो रखे हैं। आई थिंक अभी सब कुछ हो गया। इस बटन को हम लोग दबाते हैं और ये देखो, ये मशीन आगे गई तो थी, बट शायद फिर से कोई उससे ब्लॉक आगे टच हो गया। ये देखो, ये वाला कॉबलस्टोन आ गया। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं सारा रास्ता क्लियर करके इस मशीन को दूसरी वाली साइड तक तो लेकर आ चुका हूँ। बस दिक्कत ये हो रही थी कि जो नीचे ब्लॉक्स लगे हुए थे ना, उसमें स्लाइम चिपक जा रहा था, जिस वजह से आगे ये मूव नहीं हो रहा था। तो हाँ, अभी मुझे इसे यहाँ पर पहुँचाने के बाद ना इसे दोबारा से करंट पास करना होगा। तो करंट पास करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक ब्लॉक यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद मुझे एक ब्लॉक यहाँ पे लगाना है वाला, मैं तोड़ सकता हूँ चाहूँ तो। एंड ये जो रिपीटर्स है ना गाइस, इसको मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। एंड इसको हम लोग पूरा फुल कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिले चले जाए। एंड अभी मुझे इसके बॉटम में भी एक लगाना पड़ेगा, और इसमें मेरे को रखनी है रेडस्टोन डस्ट, ताकि आगे जो मैं पिस्टन अभी लगाऊंगा ना, उसको ये करंट पास कर दे। तो एक पिस्टन, रुक जाओ, ये ऐसे कैसे लगेगा, एक ही बार में मान लो इसे लगाना है। ओके, तो एक प्लैंक मुझे यहाँ पर लगा देना है। वैसे जरूरी नहीं है, प्लैंक्स कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड अब जो दूसरा पिस्टन है ना, वो मुझे कुछ इस तरीके से इसके फ्रंट में यहाँ पर लगा देना है, पिस्टन लगाना है, सॉरी। ठीक है, तो अभी जैसे ये मशीन यहाँ पर पहुँचेगी, ये काम करेगा और ये मशीन ऑटोमेटिकली वापस चले जाएगी। क्या गंदा वाला नीचे आके गिरा हूँ, अभी मुझे दोबारा से ऊपर जाना होगा। ओके, तुम्हारे भाई ने काफी मस्त शॉर्टकट ढूंढा है। पहले वाटर बकेट लगा के पेड़ पे चढ़ा, फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक सेकंड में। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको ना मैन्युअली आगे भेजते हैं, इसको मैं तोड़ता हूँ। एंड यहाँ पे एक नॉर्मल सा बटन लगा देते हैं, और नीचे कोई गोल गोल घूम रहा है ना, एक मिनट, कौन है बे, वी का पागल हो गए, इसके अलावा गोल गोल घूम रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है। बाकी वेट 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 वेट, इसे तोड़ना होगा। ठीक, अभी करते हैं, ये दबाया बटन, नहीं हुआ। ओके गाइस, मैं खाली पीली इतनी देर से परेशान हो रहा हूँ, अभी समझ आया कि जब मशीन इधर से आ रही है और करंट जब इसे मिलेगा, तो सीधी सी बात है ना, करंट इस साइड को पास होगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसमें डिले भी डाल देते हैं। एंड जब करंट पास होके, ये पहले क्या हुआ था, करंट ही नहीं इसमें आएगा, तो सीधी सी बात है काम ही नहीं करेगा, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है वो लगाने का। ठीक है, तो अभी सही से इसे लगा दिया मैंने, एंड अभी एकदम मस्त हो जाएगा। अब जैसे इसमें करंट आएगा, ये ऑटोमेटिकली इस मशीन को वापस भेज देगा। फिलहाल अभी की बारी हम लोग इसे मैन्युअली भेजते हैं, उसके बाद ये सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये मैंने दबाया, पर अभी ये मशीन देखो सारे ड्रिप स्टोन तोड़ते हुए वापस चली गई। एंड अभी इसको मैं कर देता हूँ फुली ऑटोमेटिक, ठीक है, ये मैंने लगाया यहाँ पर, इसको वापस लगाते हैं एंड चले जाएगा ना करंट इसमें। हाँ ठीक है, अभी एक बारी ना गाइस हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि मशीन वापस, मतलब पहले एक बारी उधर जाए फिर खुद से ही वापस आ जाए। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर आकर ये मैंने बटन दबाया, ये मशीन अभी जा रही है, देखते हैं, गई और वापस भी आ गई। यही तो चाहिए। अब जैसे ये जो ड्रिप स्टोन ग्रो हो रहे हैं ना, जैसे एक ब्लॉक और ग्रो होंगे, उसके बाद ये टूटना शुरू हो जाएंगे स्लाइम के थ्रू। अब ये टूट के गिरेंगे ज़मीन पे, तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि ज़मीन पे ना गिर के, मतलब पानी में गिरे और पानी के थ्रू एक चेस्ट और हॉपर में आ जाए। तो थोड़ा सा नीचे चल कर ना हम लोग एक बेस और बनाते हैं, बस एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर एक जंप मारता हूँ, पहले मैं जा रहा हूँ सोने, उसके बाद हम लोग बेस बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे मॉब्स आ गए हैं। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से सेंटर ब्लॉक तो यार देखो यही वाले हैं, तो हम लोग यहीं पर अपनी चारों चेस्ट लगाने वाले हैं। हाँ, मतलब मैं डबल चेस्ट लगा दूंगा, दो दो, वैसे जितना ड्रिप स्टोन मिल जाए उतना बढ़िया, और जितना कलेक्ट हो जाए, वैसे बहुत होता है यार, दो चेस्ट ड्रिप स्टोन भी बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। और ये मैंने थोड़ी सी गलत लगा दी, एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरफ में फेस करके लगाते हैं ना, और ये वाली इस तरफ में फेस करके, लेट्स गो। इन चारों के ऊपर अभी मुझे मस्त एकदम हॉपर लगा देना, ये पड़ा इसको उठा के यहाँ पर रखना है कुछ इस तरीके से, वन, वेट, ऐसे नहीं, वन एंड टू एंड थ्री और फोर, चारों होपर एकदम मस्त लग चुके हैं। अब इस चारों होपर को चारों साइड से कवर करके उस पर पानी डाल देते हैं, बस अपना काम खत्म, छुट्टी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 11, 12। ओके गाइस, लेट्स गो। तो फाइनली यहाँ पर ये जो स्टोन ब्रिक्स है, इसको लगा के मैंने पूरा का पूरा ये जो बेस है इसे कंप्लीट कर दिया है। और ये है इसका प्यारा वाला सेंटर, ये पहले थोड़ा सा लेफ्ट था, बट अभी मैंने इसे एकदम प्रॉपर सेंटर कर दिया है। और ये कुछ इस टाइप का कि अगर ऊपर से कोई भी चीज गिरती है तो वो डायरेक्टली इसके अंदर आके गिरेगी। अब हमें क्या करना है, अगर वो यहाँ पर आके गिरेगी तो उसे हॉपर तक पहुँचाना है, तभी तो वो हमारी चेस्ट में जाएगी और तभी तो हम लोग कलेक्ट उसे करेंगे। तो इसीलिए गाइस यहाँ पर हमें बनाना है एक ऐसा वाटर फ्लो जो कि सारे की सारी चीज़ें इसके अंदर डाले। तो एक इस कॉर्नर में डालना है, एक इस कॉर्नर में डालना है, बट मेरे को पहले अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाकर ये दोनों साइड कंप्लीट कर देनी होगी। मुझे बस बीच से पानी लेना है और यहां पर डालना है,
तो ये लेफ्ट वाली साइड तो हो गई है एंड ओ सॉरी मैंने फर्स्ट वॉकर पहन लिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये सारा बर्फ बन चुका है, मुझे थोड़ा सा दूर जाना होगा ताकि वो ठीक हो जाए। ये देखो हाँ ये ठीक हो गया, लेट्स गो। यहाँ से पानी उठाकर मुझे यहाँ पर डालना है और अभी इधर एक ब्लॉक लगा देना है क्योंकि इधर अभी भी वाटर सोर्स था। ठीक है तो अभी आप लोग यहाँ पर ना एक बार फ्लो को ध्यान से देखो, ये फ्लो अभी भी गलत जा रहा है ऐसा लग रहा है। फ्लो उस वाली साइड से तो एकदम परफेक्ट है, बस इस वाली साइड पे ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ब्लॉक लगा के इसे हटा देता हूँ। अभी गाइस एकदम परफेक्ट हो चुका है, सारा पानी एकदम प्रॉपर सेंटर में जाने वाला है, मतलब कि जितना भी सामान आएगा वो सारा सेंटर में जाएगा। बट मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर ना मैं ये फेंस गेट भी लगा देता हूँ क्योंकि कभी कभार चांसेस हो सकते हैं कि कुछ भी सामान अटक जाए, तो अभी कोई भी सामान इसमें अटकेगा नहीं, नॉर्मली इसके अंदर चले जाएगा। ठीक है तो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका है, फिलहाल रात होने वाली है और उससे पहले मुझे इसे कंप्लीट करना है। वैसे ही कंप्लीट हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अभी मुझे इसे जब भी चलाना है मुझे ऊपर जाना पड़ेगा बटन दबाने के लिए, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बेकार है। इसको भी ऑटोमेटिक कर देगा, कुछ करना नहीं होगा इसको ऑटोमेटिक करने के लिए, मुझे बस एक रिपीटर चाहिए होगा जो कि मेरे पास है। लेट्स गो, इसको भी गाइस मैं फुली ऑटोमेटिक कर देता हूँ ताकि मुझे ना बार बारी ऊपर नीचे करने की जरूरत ना पड़े और बटन दबाने की भी जरूरत ना पड़े। अब बस मुझे आना है और जब भी मेरे को वो चाहिए होगा ना मुझे कलेक्ट करना है, और उसको बनाने के लिए ना पहले मुझे उसके ना थोड़ा वो पास जाकर समझना पड़ेगा ये कैसे हो सकता है। ये मैं मान लो यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है तो अभी जब वो इस साइड आएगा तो रिपीटर से करंट जाना चाहिए उस साइड में। इसको हम लोग थोड़ा सा डालते हैं डिले एंड यहाँ पर ये से टच हो रही है ना, तो वेट ये मैंने गलत रखा है, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, करंट जाना चाहिए इससे। यहाँ पर हम लोग रख देते हैं एक ब्लॉक। अब ये जैसे इससे टच होगा इससे पता चलेगा रिपीटर में करंट जाएगा एंड रिपीटर को इस करंट को ना आगे भेजना है इस पिस्टन के पास। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं एक ब्लॉक कुछ इस टाइप से, ताकि नहीं एक ब्लॉक लगेगा इधर, इसको मैं तोड़ देता हूँ। अभी इसके ऊपर हमें रखना है रेडस्टोन डस्ट जो कि मेरे पास ढेर सारी पड़ी हुई है, यहाँ पर इसको रख के इधर एक ब्लॉक लगाना है। अभी कुछ करंट इस तरीके से चलेगा, एक ब्लॉक हम लोग यहाँ पर रख के इसे स्टार्ट करते हैं। अभी ये जैसे ही वापस आएगा ना तो ये अपने आप आगे चले जाए, समझ लो अपना काम हो चुका है। या आया प्लीज लेट्स गो, चल गया। ठीक है अभी एकदम मस्त काम कर रहे हैं हम लोग, नीचे जंप मार लेते हैं। अरे भैंस की मैं पत्थर पे गिर गया। अभी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बस नॉर्मली आगे जाएगा पीछे आएगा और जैसे ही ये जितनी भी मतलब कि क्या नाम है पॉइंटेड ड्रिप स्टोन ग्रो होंगे ये उन्हें तोड़ देगा, वो जैसे ही टूटेंगे इस नीचे वाली चेस्ट में आके कलेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल एक आके कलेक्ट भी हो गया है, थोड़े धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो कोई नहीं अपना चलता रहेगा, हम लोग इसे और बड़े लेवल पे बनाएंगे तो ये और तेज काम करेगा। फिलहाल हाँ अपना काम कंप्लीट हो चुका है, मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वाले जो स्टोन ब्रिक्स है ये भी मैं बाद में तोड़ डालूंगा। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको आज के और भैंस की भागो आउटरो बाद में भाई ये कुछ ज्यादा स्पॉइल हो गए, मैं तो भगा भैया गोलम्स के पास, वहां पर वो लोग बहुत पूरी तरह इन स्केलेटन्स को कूट रहे हैं। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। और हाँ वो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था ना वो नेदर वाला, ऑनेस्टली बताना आपको पता था या फिर नहीं पता था, और मेरे पास ना गाइस काफी सारे प्लान्स हैं जो कि हम लोग उस ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। तो आपके पास भी कोई प्लान हो तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में जाकर जरूर बताना। और हाँ यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब अभी के अभी और इंस्टा पे फॉलो कर लो। और हाँ वेट वेट वेट, मेरे से बात करने के लिए आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जाओ गाइस लेट्स गो, बाय बाय।